इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीएससी से आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और उस वीडियो में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करके और लाइव आईआरसीटीसी आईडी आपको दिखाया था। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे किस तरह आप अगर आईआरसीटीसी आईडी आपको मिल गया है तो उसको किस तरह एक्टिवेट करना है और कहाँ पर लॉगिन करना है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर पिछले वाले वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीएससी से आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन करना और आईडी पासवर्ड पाना। जब आईडी पासवर्ड आ गया तो उसके बाद का जो वीडियो है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, जिसमें आप सीखेंगे उस आईडी को किस तरह एक्टिवेट करते हैं और किस तरह उसको यूज करते हैं, क्या कहाँ पर केवाईसी करना होगा, पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आईआरसीटीसी की ओर से एक हमें मेल आ चुका है, जिसमें हमारा आईआरसीटीसी यूजर आईडी है और हमारा पासवर्ड है। तो हमारा सीएससी के द्वारा जो आईआरसीटीसी मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तो उसमें हमको आईडी पासवर्ड मिल चुका है, इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, याद रखिएगा ये लिंक पर एक ही बार क्लिक होगा, मतलब एक ही बार ये लिंक काम करेगा। तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे, जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जब आप आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन करते हो जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पर एक ओटीपी भेज दिया गया है, उस ओटीपी को एक्टिवेशन कोड कहते हैं, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करेंगे। आपको जो मेल आया है उस मेल में भी आपका एक्टिवेशन कोड रह सकता है, अगर उस मेल में नहीं एक्टिवेशन कोड तो जो आप अप्लाई किए थे आईआरसीटीसी के लिए जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पर ओटीपी गया, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे। ओटीपी फिलअप कर चुके उसको एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद अकाउंट एजेंट इज एक्टिवेट सक्सेसफुली लॉगिन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे यूजर आईडी देंगे जो मिला है, वो पासवर्ड देंगे, स्क्रिप्चर को इसको फिलअप करेंगे, आई एग्री एक्सेप्ट करेंगे, उसका लॉगिन बटन पर क्लिक। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, यहाँ पर लॉग आउट है। यहाँ पर सबसे पहले आपको केवाईसी अपडेट करना होगा, केवाईसी अपडेट करने अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, आधार बेसिड केवाईसी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, यहाँ मैंने ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ। केवाईसी अपडेट कर देने के बाद यहाँ पे होम पे जाएंगे, अब हमारा ये अकाउंट रेडी है। तो यहाँ से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड मैनेजमेंट पे आएंगे, चेंज प्रोफाइल पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और जो प्रोफाइल पासवर्ड हमें मिला वो पासवर्ड देंगे और यहाँ पर न्यू पासवर्ड देंगे, फिर उसी पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे। पासवर्ड में आपको किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर नहीं देना होगा। उसके बाद देखिए, तो उसके बाद यहाँ देखिए सबमिट कर चुके हैं। सबमिट करने के बाद हमारा पासवर्ड जो है वो चेंज हो गया है। एक्टिवेट हो जाने के बाद जो भी आपका न्यू पासवर्ड रखे हैं आप वो भी यहाँ पे शो कर जाएगा। वो फिर से इस पर क्लिक करें, आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज करना है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी आपको मेल में ही मिला होगा, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड देंगे, न्यू पासवर्ड ट्रांजेक्शन बनाएंगे, उसी पासवर्ड को ये नीचे में कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद सबमिट करेंगे तो हमारा ट्रांजेक्शन पासवर्ड वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है और न्यू पासवर्ड जो वो भी यहाँ पे शो कर देगा। तो अब चलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली से आप इसे लॉग आउट कर देते हैं। आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब टिकट बुकिंग करने के लिए आपको irctc.co.in की वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये irctc की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे irctc आईडी देंगे जो आपको सीएससी की तरफ मिला है और जो पासवर्ड आपने चेंज किया था वो पासवर्ड देंगे। इस कैप्चर को इस वाले बॉक्स में एंटर करेंगे। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप लॉगिन ओटीपी से भी कर सकते हैं। चलिए ये सारा चीज़ देने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी भेज दिया जाएगा, जिस आधार कार्ड से आपने आईआरसीटीसी आईडी बनाया था उस आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर उस पर ओटीपी भेज दिया गया उस ओटीपी को यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद ओटीपी फिलअप करने के बाद सबमिट ओटीपी कोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट ओटीपी कोड पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह यहाँ पे आ जाएगा, इसको ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन हो चुका है, आईआरसीटीसी का आईडी वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए आप किसी भी तरह का टिकट बुकिंग करने के लिए कैसे टिकट बुकिंग करेंगे उसके लिए यहाँ पे सर्च है, सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस भी स्टेशन जाना उस स्टेशन को सेलेक्ट करेंगे सर्च करके, और यहाँ पे जहाँ जिस स्टेशन जाना उस स्टेशन को सेलेक्ट करेंगे। स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे, कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, जिस भी डेट को जाना वो डेट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी क्लास, तो चलिए यहाँ पे हम क्लास को ऑल क्लास रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑल क्लास को ही सेलेक्ट करेंगे, आगे भी इसे चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी ऑल क्लास को सेलेक्ट करूँगा।
ट्रेन जैसे ही फाइंड ट्रेन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जितने भी ट्रेन चल रहे हैं उस रूट में उस दिन के लिए यहाँ पे वो शो कर जाएगा। फिलहाल यहाँ पे दो ट्रेन है, एक अल्टरनेट है, एक फिलहाल मतलब चल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लास मिल जाता है कौन सी क्लास में जाएंगे, थर्ड एसी, सेकंड एसी, स्लीपर, जिसमें जाएंगे उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आपको ट्रेन का नाम, किस दिन चलता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसको चेक अवेलेबिलिटी एंड फेयर पे क्लिक करके मतलब उसके बाद यहाँ आपको सीट दिखा देगा, किस दिन कितना वेटिंग है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो WL जो है, WL के बाद जो नंबर है मतलब वेटिंग इतना नंबर है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे WL 65 यानी कि 65 वेटिंग है। तो ठीक है, इसी तरह आप वेटिंग जान सकते हैं, यहाँ पे क्लास को भी चेंज कर सकते हैं खुद से। उसके बाद यहाँ पे फिर से चेक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो टिकट की प्राइस होगी वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अगर टिकट आपको तत्काल में बुक करना है तो यहाँ पे आपको कोटा को चेंज करना होगा। उसके बाद आप यहाँ से कोटा को चेंज कर सकते हैं, जनरल, तत्काल, जिसमें भी टिकट बुक करना है आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डेट को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 6 अक्टूबर इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जो अल्टरनेट ट्रेन है ये अभी नहीं चल रही, इस पर देखिए क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है अभी ये नॉट अलाउड है ये ट्रेन। ठीक है, ये ट्रेन चल रही है तो इसका पूरी डिटेल निकाल दिखा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम एक डेट को चेंज करेंगे। डेट चेंज करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट डे पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट डे पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप डेट चेंज हो चुका है। उसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट डे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे ये डेट देख सकते हैं, यहाँ पे सीट अवेलेबल है, 43 सीट है। तो बुक पे क्लिक करें, कुछ इस तरह यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन लेटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आई एग्री को क्लिक करना है। जैसे आई एग्री क्लिक करें कुछ इस तरह फिर से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ फिर से आपको ओके बटन को प्रेस करना है। तो चलिए ओके बटन को प्रेस जैसे करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको तीन स्टेप पैसेंजर डिटेल देना हो। पहला यहाँ पे पैसेंजर का नाम, उनकी एज, उनकी जेंडर और कौन सा सीट चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पैसेंजर जा रहा है तो एड पैसेंजर पे क्लिक करके आप यहाँ पे जितने भी पैसेंजर जा रहे हैं सभी को ऐड कर सकते हैं। और जो भी 5 साल से कम का बच्चे जा रहे हैं तो उसको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके उसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सब डिटेल आप देंगे, डिटेल देने के बाद नीचे आ जाएंगे। उसका जो भी पैसेंजर जा रहा है उसके अगर इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो पर पैसेंजर के यहाँ पे 0.49 आपको चार्ज देना होगा इंश्योरेंस के लिए। तो इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा इसे नो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यह उसकी पूरी एड्रेस देंगे, पूरे उसके बाद पिन कोड देंगे तो पूरा स्टेट वगैरह, सिटी वगैरह ले लेगा। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी IRCTC आईडी में दिया गया वो शो कर जाएगा और यहाँ मोबाइल नंबर भी शो कर जाएगा। मोबाइल नंबर को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह यहाँ पे सीट दिखा देगा, अवेलेबल सीट कितना है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये नेक्स्ट स्टेप है। और यहाँ पे कैप्चर को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। कैप्चर फिलअप करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। जैसे यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा, जो आपको CSC RDS PGS के द्वारा पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे उससे पहले यहाँ पे चार्ज दिया गया, कितना चार्ज लगेगा, टोटल चार्ज आपको यहाँ पे पूरी तरह बता दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह ये रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद पेमेंट करना को यहाँ पे CSC ID देंगे। CSC ID देने के बाद CSC का पासवर्ड देंगे। उसके बाद CSC का जो वैलेट पिन है वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपका टिकट बुकिंग हो जाएगा और आपको यहाँ पे टिकट दे दिया जाएगा।